गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए लेसन फिफ्थ हम पढ़ रहे हैं। लेसन का नाम है मार्को पोलो, जो कि बहुत अच्छे एक एडवेंचर थे जिन्होंने कि भारत और चीन की यात्रा आज से 1300 साल पहले, 1300 ईयर्स से पहले उन्होंने की थी, और जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड यात्रा थी। मार्को पोलो एक यंग मैन थे जो कि वेनिस में रहने वाले थे, और उन्होंने भारत और चाइना की यात्रा 13 सेंचुरी में की थी। वो टाइम इतना मुश्किल और दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत गंदा टाइम होता था, है ना। जो भी व्यक्ति वहाँ से रवाना होता था वो वापस नहीं लौटता था, और जो आकर लौट जा बाई चांस वो लौट भी जाता था तो लोग उसकी बातों पर बिलीव नहीं करते थे। जब तक बिलीव नहीं करते थे जब तक कोई दूसरा यात्री जाएगा और उसके बारे में कंफर्म करेगा। जब दूसरा व्यक्ति उसके बारे में कंफर्म करता था तो इस बात को फैक्ट मान लिया जाता था, और फिर वो बहुत फेमस एडवेंचर और ट्रेवलर बन जाता था। चलिए अब हम लेसन रीड करते बेटा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, यह सोचना बड़ा मुश्किल की बात थी, बड़ी कठिन बात थी। हाउ हार्ड एंड डेंजरस इट वॉज टू ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री 600 और 700 ईयर्स अगो। ऐसा मान जाता था कि 700-800 साल पहले, 600-700 साल पहले एक देश से दूसरे देश में जाना बड़ा मुश्किल होता था, बड़ा खतरनाक होता था, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैन हैड टू ट्रैवल मेनली बाय ओवरलैंड, व्यक्ति हमेशा ओवरलैंड के द्वारा ही, रूट के द्वारा ही जा सकता था। इसके अलावा दूसरा और कोई रूट नहीं होता था जिसके द्वारा वो जा सके। दे हैड टू मूव स्लोली एज एंड वैन दे गॉट द चांस, जब भी उनको मौका मिलता था, चांस मिलता था, तो वे बड़े धीरे धीरे आराम से चलते थे। विलेजेस एंड टाउन्स वर फार अपार्ट, गांव और टाउन भी बहुत दूर दूर होते थे। मैनी मैनी पर्सन्स डाइड ऑन द वे ऑफ लेक ऑफ फूड एंड वाटर। जब लोग जाते थे तो रास्ते में बहुत सारे लोग की डेथ हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? क्योंकि भूख और प्यास के कारण वो मर जाते थे। पीपल हैड टू ट्रेवल विद लार्ज पार्टी और कारवास एज दे वर कॉल्ड, जैसा कि हम कहते हैं कि लोग जब जाते थे तो झुंड में जाते थे, जिनको हम क्या कहते थे, कारवा। झुंड में इकट्ठे होकर लोग यात्रा के लिए जाते थे, ट्रैवलिंग के लिए जाते थे। अदरवाइज दे कुड गेट लॉस, अदरवाइज वे गायब भी हो सकते थे। अकेले जाएंगे तो गायब हो सकते हैं। बैंड्स ऑफ रोबर टू न्यू दिस रूट्स, जो डाकू थे, डाकुओं को भी उन रूट्स का पता होता था। दे अटैक द कारवास एंड लूटेड डैम, वे कारवास पर अटैक करते थे, हमला करते थे और उनको लूट लिया करते थे। मैनी ट्रैवलर्स वर किल्ड इन द फाइटिंग दैट दे टुक प्लेस, और जो कुछ लोग होते थे वो फाइटिंग कर रोबरों से, डाकू से फाइटिंग करते करते मर जाते थे ज़्यादातर लोग। अदर डाइड ऑफ हंगर एंड थर्स्ट, और बाकी जो बच्चे कुचे लोग होते थे वो भूख और प्यास के कारण मर जाते थे। वैन एवरी थिंग दे हैड वॉज स्टोलन एंड टेकन अवे, और जो भी उनके पास कुछ होता था उसको या तो चोरी जाती थी या उसको छीन लिया जाता था। ट्रैवलिंग वॉज सो डेंजरस इन दोज डेज, उन दिनों में यात्रा करना बहुत खतरनाक हुआ करता था। दे हार्डली एनी वन सॉरी दैट दैट हार्डली एनी वन हु वेंट ऑन अ लॉन्ग जर्नी वॉज श्योर टू बी गेटिंग बैक होम अलाइव। यदि कोई व्यक्ति अकेला चला जाया करता था,
यदि कोई व्यक्ति अकेला चला जाए तो बहुत मुश्किल वाली बात होती है, बहुत मुश्किल वाली बात होती है कोई व्यक्ति वहां से जिंदा आ जाए। ओनली पर्सन ऑफ ग्रेट करेजियस कुड डेयर अंडरटेक लॉन्ग जर्नी। केवल ऐसे व्यक्ति जो बहुत हिम्मत वाले होते हैं, बहुत बहादुर व्यक्ति होते थे, वो ही केवल जर्नी करने की जर्नी को उठाने मतलब जर्नी करने का बीड़ा उठा सकते थे। समझ आया आपको? विच लेड देम इन टू द स्ट्रेंज लैंड एंड सम टाइम टुक ईयर्स टू कम्प्लीट। और वो बड़े अजीब अजीब से रास्तों से जाते थे और पहुंचने में उनको कई सालों लग जाते थे। समझ में आया बेटा? चलिए अब हम ये पेज पढ़ते हैं। इन द 13th century यूरोप वैल्यूड इट्स ट्रेड विद द ईस्ट हाईली। 13th century में यूरोप ने ईस्ट के इससे व्यापार के उन्होंने मुद्दा उठाया, व्यापार करने की इच्छा जताई। विद द ईस्ट हाईली इंडिया एंड चाइना वर बिलीव्ड टू बी रिच बियॉन्ड ड्रीम्स। उनके सपनों में उनके कल्पना थी कि यूरोपियन कंट्रीज की कल्पना थी कि इंडिया और चाइना सबसे ज़्यादा क्या थे, रिच थे। कौन? चाइना और इंडिया सबसे ज़्यादा रिच कंट्री थे, ऐसा वो कल्पना में सोचते थे। स्पाइसेस फ्रॉम द आइलैंड ऑफ साउथ वेस्ट एशिया कुड बी सोल्ड इन यूरोपियन। यानी साउथ ईस्ट के रास्ते से जो एशिया था वो मसालों को बेचता था और एट ए ग्रेट प्रॉफिट, और उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट वो उठाते थे। यानी बहुत हाई प्रॉफिट पे वो मसालों को बेचते थे। मार्को पोलो वाज एन इटालियन मर्चेंट हु लिव्ड इन वेनिस। मार्को पोलो एक इटालियन मर्चेंट था जो कि वेनिस में रहता था। ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ अ रिच मर्चेंट। वो एक रिच मर्चेंट की फैमिली से बिलोंग करता था, तालुका तक था बिलोंग करता था। एंड द सिटी ऑफ वेनिस वाज अ ग्रेटेस्ट सेंटर इन द यूरोप। यानी जो वेनिस सिटी था वो ट्रेड के लिए, यूरोप में ट्रेड के लिए सबसे बड़ा सेंटर माना जाता था, जहाँ पे ट्रेडिंग होती थी। इन 1271 ईयर्स ओल्ड मार्को पोलो स्टार्टेड अ जर्नी टू चाइना। अब 1271 ईस्वी में जब मार्को पोलो 17 ईयर्स के थे, 17 साल के ही थे, तो उन्होंने चीन की यात्रा स्टार्ट की। Then known as Cathy with Nicholas Polo and his father, his uncle Marco Polo। ठीक है, अब कैथी के साथ वो निकोलस पोलो जो कि उसके फादर थे और मार्को पोलो जो उसके अंकल थे, उन सबको लेकर वो यात्रा के लिए रवाना हुए। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम वेनिस टू एशिया। सबसे पहले उन्होंने वेनिस से एशिया की यात्रा की। देन क्रॉस द ब्लैक सी। उसके बाद उन्होंने ब्लैक सी को क्रॉस किया, जो कि कहाँ था, इनटू द क्रीमेरिया, जो क्रीमेरिया में था। फ्रॉम देयर वहाँ से दे मेड देयर जर्नी क्रॉस द डेजर्ट ऑफ परेशिया। उस वहाँ से वो परेशिया डेजर्ट की तरफ रवाना हुए, यात्रा की उन्होंने वहाँ से। एंड उसके बाद वो अफगानिस्तान पहुँच गए। अफगानिस्तान से वो द हाईलैंड ऑफ द
प्रीमियर्स, उसके बाद वो प्रीमियर्स हाईलैंड पे, यानी प्रीलियम प्रीमियर्स हाईलैंड को क्या होता है बेटा, पठार, प्रीमियर्स पट के पठार पे पहुंच गए। देन दे क्रॉस द ग्रेट गोबी, उसके बाद उन्होंने ग्रेट गोबी को भी क्रॉस किया, गोबी डेजर्ट था एक। उसके बाद ही रीच दे रीच एट द पीकिंग, और एट लास्ट में वो पीकिंग पर पहुंच गए। द जर्नी टुक 4 ईयर्स, इस जर्नी को कंप्लीट होने में 4 साल लगे, कितने साल लगे, 4 साल लग गए। टू अस दे सीम्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, यह समय उनको बहुत लंबा प्रतीत हो रहा था, बहुत लंबा समय आपको महसूस हो रहा था कि टाइम बहुत ज्यादा लंबा होगा। बट इन दोज डेज पीपल प्रोबेबली थॉट देमसेल्फ, लेकिन उन दिनों लोग यह सोच रहे थे कि लकीली दैट डे दे वर ऑल्सो टू गेट एनीवेयर, कि जो बहुत किस्मत वाले थे, जो कि आप बिल्कुल सेफली पहुंच गए थे, ठीक है। देयर वर मैनी केसेस, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुआ करती थी, है ना, क्या करती थी, ट्रैवलर्स किल्ड ऑन द वे, यानी ट्रैवलर्स को बीच रास्ते में मार दिया जाता था, या कैप्चर कर दिया जाता था, या सोल्ड कर दिया जाता था, या उनको बंदी बना लिया जाता था, या फिर गुलाम बना दिया जाता था। लेकिन जो मार्को थे वो बड़े आसानी से बिना परेशानी के इजीली पेकिंग पहुंच गए, उन्हें ऐसी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए वो अपने आप को क्या मान रहे थे, लकी मान रहे थे। द पोल वेंट टू द कोर्ट ऑफ कुबलाई खान, अब जो पोलो थे वो पोलो कुबलाई खान के दरबार में पहुंचे। द रूलर ऑफ द वास्ट एम्पायर, जो कि बहुत बड़े साम्राज्य का शासक था, विद इट्स कैपिटल ऑफ पेकिंग, जहाँ बड़े साम्राज्य की कैपिटल क्या थी, पेकिंग थी, वहाँ कुबलाई खान रहता था। कुबलाई खान रिसीव्ड द ट्रैवलर्स विद ग्रेट काइंडनेस, कुबलाई खान ने बड़े प्यार से, बड़े दया के साथ ट्रैवलर्स का स्वागत किया। मार्को पोलो सेट हिमसेल्फ एट द टास्क ऑफ लर्निंग, मार्को पोलो ने एक अपना काम फिक्स कर रखा था खुद का, क्या, मंगोल सीखने का, मंगोल लैंग्वेज सीखने का उन्होंने अपना खुद का काम कर रखा था। द एम्परर वॉज सो प्लीज्ड विद इट, जो राजा था वो भी मार्को पोलो से बहुत खुश था। ही टुक हिम इन टू हिज सर्विस, अब बाद में उसने अपने दरबार में उसको नौकरी प्रोवाइड करवा दी। ही ट्रस्टेड मार्को ग्रेटली, अब उसको मार्को पर बहुत अधिक विश्वास था। एंड सेंड हिम टू मैनी फॉर अवे प्लेसेस ऑन हिज बिहाफ, और इसी विश्वास पर मार्को पोलो को दूर दूर की जगह पर पहुंचा दिया जाता था। लेटर मार्को वाज मेड द गवर्नर ऑफ एन इम्पोर्टेंट सिटी, बाद में मार्को को एक सिटी का गवर्नर बना दिया गया। 15 ईयर्स आफ्टर, उसके बाद मार्को पोलो ने वहाँ पर 15 ईयर्स स्पेंड किए, यानी 15 साल तक मार्को पोलो ने अपने पीकिंग में स्पेंड किए। और उसके बाद आफ्टर कमिंग टू पीकिंग आने के बाद मार्को पोलो आस्क्ड द एम्परर परमिशन टू गो बैक होम, अब मार्को पोलो राजा से अपने देश में जाने की परमिशन
परमिशन लेना चाहता था, बट कुबलाई खान रिफ्यूज टू लेट हिम गो। लेकिन कुबलाई खान ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया। However, at last, he allowed them to leave the empire with the condition that they would escort a princess who was scheduled to wed a Persian king. अब चलो, कैसे भी धीरे धीरे जो कुबलाई खान था उसने अलाउ कर दिया था, मतलब जाने की अनुमति दे दी थी कि वो एम्परर को लीव करके जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी थी, एक शर्त रखी थी। वो शर्त क्या थी कि वो उस राजा की जो राजकुमार थी उसको वो क्या करेंगे, अनुरक्षण करेंगे, मतलब देखभाल करेंगे। और कुबलाई हाँ, और एक परेशन किंग से उसे क्या कर देंगे, शादी करेंगे। ही ऑल्सो आस्क दैम टू मेक अ प्रॉमिस दैट दे वुड कम बैक टू हिम आफ्टर द जर्नी। और उसने कुबलाई खान ने मार्क पोलो से क्या कहा था कि तुम जर्नी जब पूरी कर लोगे, ये प्रॉमिस क्या था, वादा क्या था कि जब तुम अपने देश जाओगे तो वापस तुम्हें जर्नी पूरी करके वापस तुम्हें कहाँ आना पड़ेगा, पेकिंग में ही आना पड़ेगा। यह प्रॉमिस उन्होंने किससे किया था, मार्क पोलो से किया था। द थ्री पीपल्स लेफ्ट द एम्पायर। अब जो तीनों थे, चाचा, पापा और मार्क पोलो, वो तीनों एम्पायर से रवाना हुए। कब रवाना हुए थे, 1292 में। 1292 में वो रवाना हुए थे विद द प्रिंसेस, और अपने साथ जो प्रिंस थी, जो राजकुमार थी, वो भी इनके साथ थी। एंड अ फ्लीट ऑफ लार्ज बोट्स, और उसके साथ बहुत सारी नावें भी थी। समझ में आया था। Shortly afterwards, news came that Kublai Khan was dead. जब वो रवाना हुए ना, उसके थोड़े दिनों बाद ही एक खबर आई कि Kublai Khan की क्या हो गई, डेथ हो गई। There was no need now for Marco Polo to go back to a Peking as he had promised. अब जैसा कि उसने मार्को पोलो ने प्रॉमिस किया था ना कि मैं अपने कंट्री जाऊंगा, ठीक है, तो अब उसको वहां जाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ही हिज फादर्स एंड हिज अंकल्स हैड ग्रोन दे रिच, और उसके पापा, उसके चाचा बहुत धनवान हो गए थे। दे रिटर्न टू वेनिस, और वे वापस वेनिस पहुंच गए। वेयर दे अराइव्ड, इन 1295, जब वो 1295 में, क्योंकि रवाना तो कब थे वो 1292 में, और वापस कब पहुंच गए थे
1295 में वापस से यहाँ पहुँचे, दे हैड बीन अवे ऑन देयर जर्नी फॉर 24 ईयर्स. देखो 24 ईयर्स के बाद उन्होंने वो जर्नी पूरी की, यानी वो रवाना कब हुए थे, वेनिस से कब रवाना हुए थे वो 1271, और वापस कब आए थे वो 1295. तो टोटल कितना टाइम लगे उनको, 24 ईयर्स लग गए थे. द लैड ऑफ सेवेंटी हु हैड लिफ्ट होम इन द 1271 वाज 24 ईयर्स वन वैन ही वाज रिटर्न. ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. चलिए, द स्टोरी इज टोल्ड दैट वैन द पोलोज लैंडेड इन वेनिस. ऐसी कहानी बताई जाती है कि जब वेनिस थे, वेनिस में जब पोलो ने लैंड किया था, नो वन कुड नॉट रिकॉग्नाइज देम, तो उनको कोई भी नहीं पहचान पाया था. यानी जब वो वेनिस में उतरे थे तब कोई भी उनको पहचान नहीं पाया था. सो दे इनवाइटेड देयर ऑल देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. इसलिए उन्होंने अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे रिश्तेदारों को खाने पर, डिनर के लिए इनवाइट किया. द पोलोज वर वियरिंग द रफ रैग क्लोथ दे हैड वॉर्न ऑन जर्नी. जब जर्नी के लिए पोलोज रवाना हुए थे तो उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे. When the guests were all present, जब सभी गेस्ट आ गए थे, the polo store of the seams of their cloth, precious stone and jewels. तो उस समय उन्होंने देखा कि जो जितने भी थे ना पोलोस फैमिली थे, उन्होंने बहुत प्रीशियस स्टोन पहने हुए थे, बहुत सारे ज्वेलरी पहन रखी थी. एंड फेल फ्रॉम द लीनिंग ऑफ द क्लोथ, और क्लोथ में भी डायमंड वगैरह लगा हुआ था. बिफोर द एस्टोनिश्ड आइज ऑन द गेस्ट, और सबकी नज़रें बड़ी एस्टोनिश होकर देख रही थी किनको, पोलोस फैमिली को. देन दे बिलीव द वेंडर ऑफ वेलकम देम. जब उनको विश्वास हुआ तो उन्होंने उनका क्या किया, पोलो फैमिली का स्वागत किया. बट मार्क पोलो हैड टू फेस ईयर्स ऑफ द हार्डशिप. लेकिन मार्क पोलो को बहुत सी कई सालों तक मुश्किलों का सामना करना पड़ा. स्टील वार ब्रोकन आउट बिटवीन वेनिस एंड जिनेवो. उसके बाद वेनिस और जिनेवो में युद्ध हुए. मार्क पोलो हु वाज सेलिंग ऑन हिज ट्रेडिंग शिप वाज टेकन प्रिजनर. अब मार्क पोलो जिस शिप पर काम कर रहा था, ट्रेडिंग कर रहा था, उसको क्या कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, उसको प्रिजनर बना दिया गया, कैद में रख लिया गया फॉर 3 ईयर्स. 3 साल तक उसको कैद में रखा. ही डिक्टेटेड अ बुक टू अ फेलो, और उसने अपने साथी से बुक डिक्टेट करने के लिए कहा. ठीक है, जो कि उसका साथी था, जो उसके साथ जेल में था. इट वॉज अबाउट हिज जर्नी, या उसकी जर्नी ख़त्म होने वाली थी, यात्रा ख़त्म होने वाली थी. वैन पीस वॉज मेड आफ्टर 3 ईयर्स, जब 3 साल के बाद शांति हुई, ही वॉज अलाउड टू गो होम, तो उनको, मार्क पोलो को अब
अपने देश में जाने के लिए अलाउ कर दिया गया। मार्क पोलोस बुक बिकम वेरी फेमस। मार्क पोलो की बुक थी वो बहुत फेमस हो गई थी। ही हैड रिटन नॉट सो मच अबाउट हिज ओन एडवेंचर। मार्क पोलो ने केवल अपने खुद के एडवेंचर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा था एज अबाउट ही लैड अच्छा थिंग्स प्लेसेस एंड अबाउट पीपल्स। और उसने अपने बारे में ना लिखकर और दूसरे लोगों की चीज़ों के बारे में दूसरे लोगों की जगह के बारे में उसने काफ़ी कुछ लिखा था। ही हैड रिटन अबाउट जापान और उसने अब जापान के बारे में भी बुक लिखी थी अमंग अदर्स प्लेसेस दूसरे देशों के अलावा। नो वन इन यूरोप हैड एवर हर्ड हियर अबाउट द जापान। इससे पहले यूरोपियन ने कभी भी जापान का नाम नहीं सुना था। एंड नो वन इवन न्यू दैट इज एग्जिस्टमेंट। और कब इसका विकास हुआ कब इसका उद्भव हुआ इसके बारे में भी किसी को पता नहीं था। मार्क पोलोस सपोज टू हैव बीन द फर्स्ट यूरोपियन टू हैव ट्रेवल्ड राइट स्टोरी। केवल मार्क पोलो के बारे में विश्वास नहीं किया गया था कि यह स्टोरी उसकी सच भी हो सकती है। द पीपल इन यूरोप हैड वेरी लिटल नॉलेज। जो यूरोप के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी ईस्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी इन दोज डेज। दे फाउंड इन हार्ड टू बिलीव मच व्हाट पोलोस मार्क पोलोस हैड रिटन। उनको विश्वास नहीं हुआ कि मार्क पोलो ने क्या लिखा है और ये सही भी है या गलत है। That the book was collection of lies। और उस बुक में जितना भी कलेक्शन था उसको झूठ माना जा रहा था। It was only in the 19th century that was the fact were verified। अब उसके बाद जब 19th century हुई तो उसके जो facts थे जो उसके तथ्य थे बुक में वो सभी यात्रियों के द्वारा प्रूफ किए गए और स्कॉलर्स के द्वारा इनको देखा गया। एंड फाउंड दैट जो उसके बाद यह पता चला कि मार्क पोलो ने जो भी लिखा था वो बिल्कुल सही लिखा था। और मार्क पोलो बुक फीड पॉप पीपल सिटी। अब मार्क पोलो की जो बुक थी वो पूरी दुनिया में इस लोगों के दिमाग में भर गई थी। मतलब हर व्यक्ति मार्क पोलो की बुक को पढ़ना चाहता था। मैन हु वर फाउंड ऑफ द एडवेंचर बिगेन टू ड्रीम ऑफ गोइंग आउट इन इंडिया एंड चाइना। अब जितने भी ट्रैवलर थे है ना या जितने भी लोग थे वो इंडिया और चाइना की यात्रा को क्या करना चाहता था सपना देखना चाह रहे थे ठीक है और अपने भाग्य को आजमाना चाह रहे थे। ये बेटा लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी मैं एक्सरसाइज आपको पेपर में सेंड कर दूंगी जो कि व्हाट्सएप पे आप देख लेना ठीक है बेटा। ओके बाय। Mm-hmm.